फ्रेंचाइज का ये तीसरा इंस्टॉलमेंट टोटल धमाल इस बार इस फ्रेंचाइज का नाम मिट्टी में मिलाता दिख रहा है। हर बार की तरह इस बार भी इस फिल्म में 50 करोड़ की इस रकम के पीछे कुछ लालची लोग पीछे पड़े हुए हैं और ये पूरा ड्रामा क्रिएट करता है इस फिल्म को, जहां इन कैरेक्टर्स में से एक ऐसा कपल है जो डिवोर्स होने की कगार पर है। दो लालची भाई हैं, कुछ लोकल गुंडे हैं और एक पुलिस कमिश्नर है। इनके अलावा इस फिल्म में एक मास्टरमाइंड भी है जो इस पूरी लूट को अंजाम देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन सभी को ये हिडन ट्रेजर मिलेगा या नहीं। आपको बता दें कि इस फिल्म में धमाल की कोई कमी नहीं है, जहां पुल गिरने से लेकर कार एक्सीडेंट तक हर चीज शानदार तरीके से दिखाई गई है। लेकिन इस पूरे फिल्म की सबसे खास बात है इस फिल्म की स्टार कास्ट, जिसे अगर हम अलग रखें तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट में तो बिल्कुल दम नहीं लगता। शुरुआत करते हैं फिल्म के कमजोर प्लॉट की, जिसने किसी भी कैरेक्टर पर खास काम नहीं किया है। इस फिल्म का मजबूत हिस्सा है अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी, जो कि वाकई अपने कैरेक्टर्स में जान डालते हैं। इनके अलावा अजय देवगन भी अपनी परफॉर्मेंस काफी अच्छी तरीके से दे पाए हैं, हालांकि उनकी कैरेक्टर को काफी कमजोर तरीके से पेश किया गया है। इनके अलावा मूवी के एक एंटरटेनिंग फैक्टर रहे संजय मिश्रा, जिन्होंने दिए गए पंचेस को काफी अच्छी तरीके से ट्रैक किया है। लेकिन एक बात बता दें कि हमेशा की तरह इस बार अरशद वासी और जावेद जाफरी की जोड़ी थोड़ी फीकी नजर आ रही है, जिसका इल्जाम जाता है फिल्म की स्क्रिप्ट को, जिन्होंने इनके किरदार को काफी कमजोर तरीके से पेश किया। अरशद वासी और जावेद जाफरी के अलावा रितेश देशमुख ने भी काफी उम्दा काम किया है। इन सब के अलावा इस फिल्म में गमन ईरानी, महेश मांजरेकर और ईशा गुप्ता जैसे बेहतरीन एक्टर्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है और इनके कैरेक्टर लगभग वेस्ट लगते हैं। ओवरऑल टोटल धमाल लगता है कि बड़े पर्दे पर धमाल नहीं मचा पाई है, इसलिए हम इसे 5 में से 2 स्टार देते हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।